देखिए स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहले ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, लिखेंगे साथ साथ में, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी पॉइंट्स में कि ड्राइंग्स अगेंस्ट, दो तरह की ड्राइंग्स होती है, दो तरह के पार्टनर्स दो तरीके से पैसा निकाल सकता है बिजनेस से, एक प्रॉफिट में से निकाल सकता है और दूसरा कैपिटल में से। तो जब प्रॉफिट में से पार्टनर पैसा निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में लिखते हैं, लिखिए जरा। तो सबसे पहले लिखेंगे, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विच इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज दिस विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा और प्रॉफिट में से जब पैसा निकालेगा, तो देखिए दो चीजें हैं, जब भी पार्टनर प्रॉफिट में से, जब भी पार्टनर पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से और प्रॉफिट में से निकालेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद देखिए, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है उसको देखेंगे। सो इट डज नॉट, इट डज नॉट इफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर। देखिए जब भी पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा और प्रॉफिट में से निकालेगा तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसकी वजह से पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो तो पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल होगी उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अगर पार्टनर प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है। तो देखिए जनरली जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इसी ड्राइंग्स पे किया जाता है। देखिए इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन सच ड्राइंग्स। जब भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा और आउट ऑफ प्रॉफिट निकालेगा उसी पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन जो आउट ऑफ कैपिटल पार्टनर पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए उस पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने परमानेंटली विड्रॉन कर लिया है। लेकिन जो पैसा वो पर्सनल यूज के लिए पार्टनर निकाल रहा है और आउट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहा है उसी पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहां से मैं एक बात समझ में आती है कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, कहता है ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है और दिस विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये कहाँ से निकाला गया है, प्रॉफिट में से निकाला गया है। सो इट इज, इट डज नॉट इफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल। जब प्रॉफिट में से पैसा निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए तो इससे पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन सच ड्रॉइंग्स, और इसी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इसी ड्रॉइंग्स में हम कैलकुलेशन सीखेंगे किस प्रकार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद है हमारा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उसको भी समझ लेते हैं। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दिस मींस पार्ट ऑफ कैपिटल इट मीन्स पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन
फॉर पर्सनल यूज, इसमें भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है पार्टनर द्वारा, लेकिन दिस विड्रॉल इज मेड आउट ऑफ कैपिटल। देखिए पिछले वाले में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या था, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था, इसमें भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, लेकिन उसमें प्रॉफिट में से निकाला था, इसमें कैपिटल में से निकाल रहा है पार्टनर, यानी कि परमानेंटली कैपिटल से पैसा विड्रॉन कर रहा है। तो अगर कैपिटल से निकाल रहा है तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, सो इट रिड्यूसेस द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर। इसकी वजह से पार्टनर की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट निकालेगा तो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल पैसा निकालता है तो फिक्स्ड कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी पार्टनर की, क्योंकि उसने कैपिटल से पैसा निकाला है। तो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन सच ड्रॉइंग्स, ऐसी ड्रॉइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, तो देखिए आपको दो चीजें यहां पे समझ गई हैं, मैं दोनों को एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, देखिए मैंने बोला कि पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो दो तरीकों से निकाल सकता है, तो एक आउट ऑफ प्रॉफिट निकालेगा और दूसरा आउट ऑफ कैपिटल निकालेगा। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर पैसा निकालता है बिजनेस में से, तो उसकी वजह से पार्टनर की जो फिक्स्ड कैपिटल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे, इसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है आउट ऑफ प्रॉफिट, जो आउट ऑफ प्रॉफिट निकालेगा उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है इसमें भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, लेकिन कहां से निकाल रहा है, प्रॉफिट में से नहीं निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है, कैपिटल में से निकाल रहा है। तो जब कैपिटल से पैसा निकालेगा तो इसकी वजह से पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और ऐसी ड्रॉइंग्स पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए अगर आउट ऑफ, सिंपल सी बात अगर आप समझें तो क्या है कि अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो उस पे ही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और आउट ऑफ कैपिटल अगर पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो उस पे हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसका जनरल एंट्री सीख लेते हैं। जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड उसको सीख रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर अलाइन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, तो मैंने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो किया जाता है, तो इसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस भी पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उसका नाम डेबिट में लिखा जाए, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा उसको हम इस एंट्री में लिखेंगे। तो देखिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे चार्ज किया जाएगा तो जनरल एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स के खाते में डेबिट में इसको शो किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी जनरल एंट्री जो बनेगी
फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। स्कीम क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। मैंने रीजन बताया था, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट साइड में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की क्या है, इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो किया। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इसलिए शो किया क्योंकि ये फर्म की इनकम है, क्योंकि पार्टनर से लेना है। और दूसरा पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा, तो इसलिए एंट्री आई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो दो जनरल एंट्रीज आपकी यहाँ पे बनती हैं। तो अब हम सीखने जाएंगे आगे, अब सीखते हैं आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से मेथड है इसको कैलकुलेट करने के, आइए उसको सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स हैं। तो तीन मेथड्स हैं जिसके जरिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करेंगे, और तीन मेथड्स कौन कौन से हैं आइए उनके बारे में जानते हैं और इनके एग्जांपल्स भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास वो है एवरेज ड्यू डेट मेथड, एवरेज ड्यू डेट मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास सिंपल मेथड, और तीसरा है प्रोडक्ट मेथड। इन तीन मेथड्स के मदद से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आइए सीखते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो हमारा एवरेज ड्यू डेट मेथड है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो देखिए एवरेज ड्यू डेट मेथड जो है ये कब अप्लाई किया जाता है, इसके लिए कंडीशन है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन। देखिए पहली कंडीशन क्या है, जब भी पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है कि हर महीने एक जैसा अमाउंट विथड्रॉन किया जा रहा है। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब जैसे पार्टनर ने 2000 रुपए निकाले हैं तो पहले महीने में भी 2000 निकाल रहा है, दूसरे महीने में भी 2000 रुपए निकाल रहा है, मतलब जितनी बार भी विड्रॉन किया है वो फिक्स्ड अमाउंट है। तो व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, और हो सकता है वो बिगिनिंग में निकाले, हो सकता है वो मंथ की मिडल में निकाले, हो सकता है मंथ के एंड में निकाले। तो कुल मिला के आपको दो कंडीशंस यहाँ पे ध्यान में रखनी है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा, और फिक्स्ड इंटरवल्स में करेगा। फिक्स्ड इंटरवल्स का मतलब होता है अगर निकाल रहा है पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा हर महीने निकाले, या फिर हर महीने के अलावा क्वार्टरली निकाले, या फिर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, महीने के एंड में निकाल रहा है, महीने के मिडल में निकाल रहा है। तो कुल मिला के हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जब भी पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन करेगा और फिक्स्ड इंटरवल्स में करेगा, तो उस कंडीशन में आप एवरेज ड्यू डेट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा सर अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन नहीं करेगा और दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आपको सिंपल या प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो देखिए आपको फिर से बता देते हैं, हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है एवरेज ड्यू डेट मेथड, दूसरा मेथड है सिंपल मेथड, और तीसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो तीनों में से जो एवरेज ड्यू डेट मेथड है वो कब अप्लाई होगा, जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेंगे। फिर से बता रहा हूं आपको, देखिए पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए, पहली कंडीशन है जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा पार्टनर। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है जैसे 2000 रुपए या 3000 रुपए या 4000 रुपए, तो हर बार उतना ही अमाउंट वो विड्रॉन करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा। तो जब भी पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा और फिक्स्ड इंटरवल्स में करेगा, फिक्स्ड इंटरवल्स का मतलब है हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, हर महीने की पहली तारीख को ही निकालेगा, और मिडल में निकाल रहा है तो मिडल में ही निकालेगा, एंड में निकाल रहा है तो एंड में ही निकालेगा। तो अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन कर रहा है पार्टनर और फिक्स्ड इंटरवल्स में कर रहा है, दो कंडीशंस कौन सी हैं, जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा पार्टनर और फिक्स्ड इंटरवल्स में करेगा, तब आपको एवरेज ड्यू डेट मेथड लगाना है, और दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आपको सिंपल या प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं एवरेज ड्यू डेट मेथड में
किस तरीके से हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीन सिंपल स्टेप्स हैं जिसकी जरिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज ड्यू डेट मेथड से। तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि आपको एनुअल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप क्या है एवरेज ड्यू डेट मेथड में, आपको एनुअल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी होगी। तो एनुअल ड्रॉइंग सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज पार्टनर 2000 रुपए निकाल रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, तो पूरे साल भर में कितना निकालेगा, 24,000। सर पार्टनर 5,000 रुपए निकाल रहा है हर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गया 20,000। तो आपको एनुअल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी होगी पार्टनर्स की, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। तो दूसरा है फाइंड एवरेज पीरियड, आपको एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना होगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो देखिए जब भी पार्टनर, यहाँ पे फॉर्मूला है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। पहली बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा है ईयर एंड तक, और जब लास्ट बार पार्टनर ने पैसा निकाला है तो कितना समय बचा है। तो देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहली बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला तो कितने महीने बचे हैं ईयर एंड तक, और लास्ट बार जब पार्टनर ने पैसा निकाला तो कितने महीने बचे हैं ईयर एंड तक। दोनों को प्लस करके आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा, एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है, तो सर इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि महीने की पहली जो फर्स्ट ड्रॉइंग है उसको देखना है, बीच में जो मर्जी निकाले उसको कोई हमें लेना देना नहीं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो पार्टनर ने पैसा निकाला उसके बाद का टाइम पीरियड देखना है, और लास्ट बार जब उसने विड्रॉन किया तो उसके बाद का टाइम पीरियड देखना है ईयर एंड तक। तो दोनों को प्लस करेंगे उन टाइम पीरियड्स को और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दो स्टेप्स आपके फॉलो करने के बाद आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। फॉर्मूला आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, एनुअल ड्रॉइंग्स जो आपने पहले स्टेप्स में फाइंड आउट की, इंटू रेट अपॉन 100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 जो एवरेज पीरियड आपने अभी फाइंड आउट किया सेकंड स्टेप में, उसको यहाँ पे लिखने का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में एवरेज ड्यू डेट मेथड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप एवरेज पीरियड यहाँ पे रट नहीं सकते। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी केसेस हैं, बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो आपको यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो देखिए फिर से बता देते हैं, एवरेज ड्यू डेट मेथड तभी अप्लाई होगा जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा और फिक्स्ड इंटरवल्स में करेगा। कब होगा, जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में करेगा। ठीक है, तो सॉरी फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल्स में करेगा, दो कंडीशन क्या है, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल्स, दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी आप एवरेज ड्यू डेट मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एवरेज ड्यू डेट मेथड में, अच्छा अगर ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप यहाँ पे सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। तो इसमें स्टेप्स कौन कौन से थे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको एनुअल ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। दूसरा स्टेप है आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, जब पहली बार पार्टनर ने पैसा निकाला उसके बाद जो समय बचा है, और लास्ट बार जब पैसा निकाला उसके बाद जो समय बचा है, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। तीसरा है फॉर्मूला इसका क्या है कैलकुलेट करने का, एनुअल ड्रॉइंग्स जो कि आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया, एनुअल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस पे, इनके प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको देखते हैं।